पुत्रा वच्च हनुमान मारुति मनाही अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। कुणी लंका जाळली कशी सीता मिळाली कुणी आणली संजीवनी आई कुणाची अंजनी। कुणी लंका जाळली कशी सीता मिळाली कुणी आणली संजीवनी आई कुणाची अंजनी। रामाचा भक्त ऐसा वाऱ्याचा पुत्र ऐसा उडवी दाणा दाण शत्रुची उडवी दाणा दाण त्याच्या हृदयी सीता राम बोला जय हनुमान। त्याच्या हृदयी सीता राम बोला जय हनुमान। जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्री राम। जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्री राम। जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्री राम। मारुती जुन्याचा असे शहापुरा तो पिता हा मसूरचा हनुमान देखना छान होता दर्शन तयाचे लागते ध्यान। चाफळचा दास मारुती मुद्र भक्तीची प्रताप मारुती वीर मूर्ती शक्तीची। शिंगणवाडीच मंदिर उंच ते फार बाल मारुती गोजीरा भक्ताधार। त्या उंब्रज गावी दिसे सानुले रूप चांदीचे डोळे देवाचे भावती खूप। न्यायाच्या हक्कासाठी बजरंग हा राही पाठी विजयाचे निशाण देई तो विजयाचे निशाण। त्याच्या हृदयी सीता राम बोला जय हनुमान। त्याच्या हृदयी सीता राम बोला जय हनुमान। जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम। जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम। जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम।
सूर्याच्या तोंडाची मूर्ती माझ गावाची झाली समर्थांच्या हाती स्थापना त्याची कृष्ण काठी बहिणी सर्गाच देण श्री रामासाठी धावले हनुमान कौलारू मंदिर आणि वाहता ओढा मन पाडळ्याला हो पडे भक्तांचा वेढा सपाट दगडावर कोरली छान आहे पार गावची मूर्ती ती लहान आहे देऊळ सुंदर बत्तीस शिराळा तिथे सूर्य देव येते हो दर्शनाला आणाया राम राज त्या बजरंगाचं करूया जय जयकार गाऊया गोड मुखाने ना ते हृदयी सीताराम बोला जय हनुमान ते हृदयी सीताराम बोला जय हनुमान जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम आयुष्याची दिशा शोधून दे हनुमान जिवंत सुनी मेलेल्या दे संजीवनी आणून कुविचार जे मनातले तो जाळी त्याची लंका विश्वास दे प्रकाश दे वाजण्या यशाचा डंका सूर्याचा करी घास वीराचा वीर खास करीतो जो देव मग खाली तो थैमान त्याच हृदयी सीताराम बोला जय हनुमान त्याच हृदयी सीताराम बोला जय हनुमान जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम जय बजरंग जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम जय बलभीम जय हनुमान जय बलभीम जय जय श्रीराम
दर्शन दिया मुझे दर्शन दिया दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया शिव शंकर मुझसे आन मिले पल भर में मेरे भाग खुले तीन लोक के नाथ ने दर्शन दिया रे दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया शिव शंकर मुझसे आन मिले पल भर में मेरे भाग खुले तीन लोक के नाथ ने दर्शन दिया बोले शंकर बोले तुझे पूजे दुनिया सारी रे तीनों लोक में बोले तेरी महिमा न्यारी रे वाले वो तेज भरी मूरत वाले एक हाथ में उनके डमरू था हाँ उनकी छवि में जादू था देख लिया ओ मैंने देख लिया दर्शन दिया ओ मुझे दर्शन दिया शिव शंकर मुझसे आन मिले पल भर में अमृत करने वाले वो रूप नए भरने वाले थी साथ में उनके पार्वती आराध्य मेरे मन की देवी देखा किया मैं तो देखा किया दर्शन दिया ओ मुझे दर्शन दिया शिव शंकर मुझसे आन मिले पल भर में मेरे भाग खुले तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया
पहले तो सर पे हाथ रखा, फिर मुझको आशीर्वाद दिया। गिर गया मैं उनके चरणों में, शिव जी ने उठाया बाहों में। भाग जगा मेरा भाग, मेरी पूजा।
और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया। तुझको सब देवों ने पूजा,
नमस्कार साहब जी, आइए आपको नेपाल घुमा रहे हैं। इसमें 9 मंदिर रहेंगे, 5 पॉइंट रहेंगे और एक चाइना बाजार रहेगा। आइए, आ गए आपके राइड में पशुपतिनाथ, दिखाइए डाकू। इंडिया बांग्लादेश छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पशुपतिनाथ शिवाजी टर्मिनल्स की टर्मिनल्स। ये बापू जी अरे इधर कार लेना है। दोन मिनट शिवाजी बॉडीगार्ड शिवा यार
नचाव्यो मभूमि नतेजो नवायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं Thank you.
शिवाजी चला चला पड़ा ये माला मैं गॉगल चुप मैं गॉगल दे ना घया ना गॉगल घया ना थांबलं माझं काढलं गॉगल चुप मी गॉगल देणार होय रवी हिर्या हिर्या अरे यार शूटिंग करतोय ना शूटिंग करतोय तरी समजत नाही अरे कृष्ण कृष्ण सुनिए कृपया ध्यान इधर दीजिए अब इसके बाद हम लोग चलती हुई गाड़ी से कुछ आइटम देखेंगे जैसा आज से 13 साल पहले रात को 9 बजे खाना खाने के टाइम पर हमारा राज फैमिली का 10 आदमी का मर्डर हो गया उससे वीडियो खींच रहे बाद में फिर उधर जाके उस टाइम पे कहा गया कि उसका बेटा दीपेंद्र ने मारा था उस टाइम पे लेकिन वो खुद भी मर गया था इसलिए अभी तक किसने मारा अभी तक मालूम नहीं है कहते हैं अभी भी उनका भाई ज्ञानेंद्र ने मारा था राजगद्दी के लिए जैसा राजा महेंद्र था उनका 3 बेटा था वीरेंद्र ज्ञानेंद्र और धीरेंद्र जो बड़ा बेटा है वही राजगद्दी पे बैठता था वही हिसाब से राजा वीरेंद्र था वो राज कर रहे थे तो रात को 9 बजे खाना खाने टाइम पर उनका सब आदमी का मर्डर हो गया बच्चा कौन ज्ञानेंद्र का फैमिली और उनका बेटा पारस भी बच गया तो उन लोगों का मर्डर होने के बाद राजा ज्ञानेंद्र हुआ वो 3 साल तक राजा बने बाद में उनको नेपालियों ने पसंद नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे बोल नहीं पाए तो सब लोग अनुमान करते हैं कि उन्हें मारवाया था वीरेंद्र को तो 3 साल तक वो राजा बने इधर 19 दिन तक आंदोलन हुआ बहुत आदमी मारे गए उसके बाद में राजा का बस नहीं चला तो उन्होंने सरेंडर कर दिया नेपाली जनता के सामने में उन्होंने टीवी में अनाउंस कर दिया कि आप लोग आपके हिसाब से देश चला लो मैं राजगद्दी पे छोड़ जाऊंगा जगह पर पॉलिटिक्स वो क्या है अगर वो उधर मिल गया होगा अगर तुमको जिंदा छोड़ देगा ये कर देगा हमको जिंदा छोड़ देगा तो मैं छोड़ दूंगा वो हिसाब से वो छोड़ दिया अभी नेपाल में लोग सही है राजा सही नहीं है अभी वो हमारे जैसा आम आदमी है अभी भी जिंदा है मैं डॉक्टर राम भरण यादव राष्ट्रपति का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है उनको उस टाइम पे ही चुन के उनको राष्ट्रपति बनाया गया है तो आज से 6-7 महीने पहले इधर इलेक्शन हुआ था अभी सबसे आगे कांग्रेस है और MLA है और बाद में माओवादी पहले सबसे बड़ा पार्टी माओवादी का था तो हिसाब से अभी सुशील कोइराला जो मनीषा कोइराला का काका है वो जैसा गिरिजा प्रसाद कोइराला उनका दादाजी था प्रकाश कोइराला उनका बाप था वो उनका ही काका है वो अभी वो प्राइम मिनिस्टर है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे चलते हुए गाड़ी से राजा का प्राइवेट बंगला जो अभी वो इधर जो ठहरे प्राइवेट बंगला देखेंगे राष्ट्रपति भवन देखेंगे चौरस्ते में जो देखने वाला आइटम आएंगे वो देखेंगे उसके बाद में गणेश टेम्पल लास्ट आइटम उतर के देखने का लास्ट आइटम गणपति जैसा आपका इंडिया में हादसा हुआ था होगा कि किंग पैलेस राजमहल को 2008 से म्यूजियम बना दिया गया है संग्रहालय जो राजमहल है किंग पैलेस उसको 2008 से म्यूजियम बना दिया गया है संग्रहालय एक गेट वो कौन रहता क्या इधर अभी राजा रहता है ना अभी रहता है क्या राष्ट्रपति भवन थोड़ा स्लो ले लो गाड़ी प्रेसिडेंट हाउस कचरा आएगा कचरा थोड़ा दिन आएगा कचरा दिया
जापानी लोग रहते हैं। अरे दूतावास बोले तो जाने के लिए जापानी भी रहता है जो दूतावास है। मतलब यानी कि इंडिया का राजदूत जो आपके इंडिया का अभी इधर का आज थोड़ा आगे सामने आप लोग इंडिया से इधर आता है आप लोग तकलीफ में है कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या हो गया तो उधर शिकायत कर सकते हैं आप लोगों का जैसा उधर का हम लोग इंडिया जाना पड़ेगा तो गाड़ी लेके जाएगा तो परमिशन लेना पड़ेगा वैसा ही रहता है। पैसा देखो तमाशा देखो ये क्या है बाजू जिस रात मर्डर हुआ इधर 3000 आर्मी का पहरा था अंदर मर्डर हुआ इसी के अंदर मर्डर रहा था राजा का मोहन है ये दोन्ही बस आल्या वाटत काय इकडे मंगलमूर्ती विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता जय देव जय देव कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव We'll be right back.
व्याकरण त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि अर्चितं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम एयरपोर्ट की शूटिंग आ रही है।